तो हो गई तेरी ब्लॉगिंग? अरे भैया अभी एक मिनट नहीं और का। ये है हमारी जनरेशन, ये है हमारा फ्यूचर जो काम चोरी करता है। ये मोटे भैया हैं बहुत। बिल्कुल ये ब्लॉग बनाएगा तू बेटा। अब हम देखते हैं ये कितने सेकंड में भरता है इस पानी से। अपनी माँ को ढूंढ रहा है बार बार। कुत्ता और गाय का बछड़ा एक साथ खेल रहे हैं। कभी ऐसा याराना देखा है कुत्ते और गाय के बछड़े का? सोफी और सॉफ्टी एक साथ। बस 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 टैलेंट है हमारी सोफी में। अरे क्या हुआ तुझे, क्या हुआ सोफा? अरे क्या हुआ तुझे, क्या हुआ सोफा? सोफा क्या हुआ, सोफा तुझे क्या हुआ? सोफी तू भी आएगी? हम पानी भरने जा रहे हैं, आएगी? चल आजा, ला दे हाथ दे सोफी। हैंडशेक सेम टफी की याद आ गई इसको देख के, सेम टफी वाली ब्रीड है। जाओ जाओ चुका 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 चुका। बस 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 टैलेंट है हमारी सोफी में। दो पैरों पे खड़ी हो सकती काफी देर तक, एक आधा घंटे। हे गाइस कैसे आप सब लोग, उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे। तो इस ब्लॉग में हम जाने वाले हैं पानी भरने मंगोरा में। बहुत मोटा पानी आता है और बहुत, मतलब हम बचपन में वहाँ पे नहाया करते थे, वहीं से पानी भरा करते थे जब भी मैं इधर आता था। और हमारे साथ जाएगी सोफी, यानी कि ये टफी की बहन। अच्छे संतरे अच्छे हो रहे हैं, नज़ारा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो रखा है, बहुत ज़्यादा। और जहाँ पे हम लोग गए थे माता जी के दर्शन करने, वो जगह ठीक वो है टॉप पे, पहाड़ी के टॉप पे। सूरज इस साइड को ढलने वाला है अभी। क्या फिर से आएगा तोड़ के? कौन ला रहा बार बार तोड़ के? चले पानी भरने चले। तो ठीक वहाँ पे इस साइड पे है मंगोरा, हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं वहाँ पे पानी भरने, पीने का पानी। और कल रात को जो हमारी गाड़ी फंसी थी वो उस पहाड़ी की बैक साइड पे फंसी थी। चलो गुरुजी भाई चले घूमने चले, घूमी 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 चल। चलो बाद में खेलना, बर्तन लेके छोटे छोटे बर्तन लेके आ जाओ, जब फटाफट। हाँ जो लेके आ भरने के लिए। आपको मैं दिखाता हूँ दूसरी सोफी, और ये है सॉफ्टी। बोर्ड 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 वहाँ से दूध निकाल लिया गाय का? ना ना दीदी, कहाँ है गाय? तो अभी चारने के लिए जा रखी है। कब तक आएंगे? शाम को आएगी 5:30 बजे। सॉफ्टी आ गया, सॉफ्टी आ गया। वो सॉफ्टी है, वो सॉफ्टी है। अच्छा ये सॉफ्टी है, नहीं जरा बगड़े सोफी। सोफी और सॉफ्टी एक साथ, ये देखो। ये तेरे साथ लड़ रहे हैं। आपको पता है इसने एक जिम पैकिंग मारी? सोफी इधर, सोफी ले सोफी। तूने पता है इसने मुझे एक जिम पैकिंग मारी? ये 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 खेल रहे दोनों। ये कुत्ता और गाय, कुत्ता और गाय का बछड़ा एक साथ खेल रहे हैं। कभी ऐसा यारा ना देखा है कुत्ते और गाय के बछड़े का? अब देखो क्या लड्डू चाहिए इधर को? मैंने तो ये लेना है। हाँ चल ठीक है, चल ना यार जी। हां उसे बातें करते हो। तो हम लोग इस रास्ते से जा रहे हैं पानी भरने। अब तो ये रास्ता फिर भी ठीक बन गया, इसमें गाड़ी चल सकती है। पहले ये रास्ता उबड़ खाबड़ था, इस साइड से था, ऊपर नीचे ऐसे था, और बीच में से बहुत ज़्यादा टूटा हुआ था, तो हमें बहुत दिक्कत होती थी। और जब भारी बाल्टी लेके जाते थे हम ऊपर की साइड, तो हमें काफ़ी दिक्कत होती थी क्योंकि चढ़ाई ऐसे थी, फिर ऐसे था रास्ता, फिर ऐसे। लेकिन अभी रास्ता बिल्कुल सही कर दिया गया है। हमारे साथ सोफी भी जा रही है, आगे भाग गई। बहुत पानी सहारा हमने यहाँ से, बहुत पानी। और जहाँ से हम पानी लाने वाले, एक बार आप वहाँ से पानी की स्पीड देखना, दिल्ली में 1000 घरों को मिला के भी इतनी स्पीड नहीं आती होगी जितनी वहाँ पे आती है। तो ये नेचुरल वाटर है, इसका पैसा नहीं लगता। दिल्ली सरकार पैसा लेती है, यहाँ पे पैसा नहीं लगता। और बिल्कुल प्योर वाटर है, मिनरल से भरा हुआ, और ऊपर से ठंडा भी है, फ्रिज की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ से अगर मैं आपको नजारा दिखाऊं तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन अभी धुंध बहुत ज्यादा हो चुकी है। आगे के पहाड़ इतने ज्यादा क्लियर तो नहीं है, बट नजारा बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ये देखिए आप, तो फाइनली ये है मंगोरो। और यहाँ पे पानी की रफ्तार देखिए कितना ज़्यादा तेज़ है, और ठंडा भी है पानी काफ़ी ज़्यादा, बिल्कुल कोल्ड। इतनी मोटी धार है इसकी, इतनी मोटी। तो दोस्तों मेरे पास है लगभग 5 लीटर का कलसा है,
अब हम देखते हैं ये कितने सेकंड में भरता है इस पानी से। लेट्स कैलकुलेट। पकड़, पहले साफ किया जाए। चार सेकंड। इसकी बोली लगी 4 सेकंड। अब इसकी बारी। तो सिर्फ 4 सेकंड लगा 5 लीटर के कलसे को भरने में। तो आप लोग स्पीड देख सकते हो कितनी तेज होगी इसकी। ये भी 5 लीटर का डब्बा है। ये भी 4 सेकंड के करीब भरा है 5 लीटर का डब्बा। अब लास्ट बारी है इसकी। ये भी 3-5 लीटर का है, लेकिन इसका छेद बहुत छोटा है तो इसमें टाइम लगेगा, तो इसका हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे नहाने के लिए आ रखा है। हाँ। नहाएगा? हाँ। डायरेक्ट। तो जब हम लोग बचपन में यहाँ पे आते थे तो हम यहीं से पानी भरते थे। बहुत यादें जुड़ी हैं यहाँ से। सुबह सुबह के टाइम पे आते थे, ब्रश वगैरह यहीं पे करते थे। यहाँ पे उस समय बाथरूम बने हुए थे 2, इधर पे और इधर पे। हम लोग उसमें भी नहाया करते थे, डायरेक्ट इसके नीचे भी नहाया करते थे, और कभी कभार फ्रेश होने के लिए इस साइड भी जाया करते थे। तो आप लोग समझ गए होंगे किस चीज़ के लिए जाया करते थे, लेकिन नहाते हम लोग इधर ही पे थे जब हम सब लोग आते थे। आधा पानी इधर की साइड से कहीं से आ रहा है। अरे कहाँ जा रही है, चल घर। अगर आप यहाँ पे ध्यान से सुने तो आधा पानी इधर की साइड से कहीं आ रहा है और ये यहाँ से निकल के सीधा नीचे रॉल की तरफ जा रहा है, यानी कि नीचे। तो यहाँ से पानी का स्रोत मिल सकता है, लेकिन जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे इतना मोटा पानी ऑलरेडी आ रहा है। 2400 घंटे इतना तेज पानी आ रहा है। 2400 घंटे हर सेकंड में 1 लीटर पानी खर्च रहा है। 60 सेकंड में 60 लीटर पानी। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? यस। तो अब व्लॉगिंग की कमान संभालेगा ये छुटकू, वो भी सिर्फ 1 मिनट के लिए। देता हूँ, देखता हूँ क्या क्या करता है उसमें। घर पे नहीं अभी। ले, मैं घर पे। मैंने बोल दिया सिर्फ 1 मिनट के लिए दूंगा। गाइस, मैंने इसको 1 मिनट के लिए दिया था कैमरा से काम, मुझे भी ब्लॉगिंग करनी है। मैंने 1 मिनट के लिए इसको कैमरा दिया, ये चुपचाप रोड दिखा रहा है आपको, तो रोड के सीन ज्यादा दिखाई नहीं सकता। हेलो वेलकम गाइस, कैसे हो सभी? आई होप आप सब ठीक होंगे। आप सब तो गाइस चलिए चलते हैं घर की तरफ। अरे भैया लोग आ रहे हैं। ये यहाँ पे बहुत सारे पत्थर हैं और यहाँ पर बहुत सारे पत्थर हैं। ये मोटे भैया हैं बहुत। बिल्कुल, ये ब्लॉग बनाएगा तू बेटा। और ये पतले भैया हैं, सुगड़ी हड्डी। ये ब्लॉग है तेरा? पीछे से एक सबसे पतली सुगड़ी हड्डी आ रही है। तो हो गई तेरी ब्लॉगिंग? अरे भैया अभी 1 मिनट नहीं और का। तो टाइम कितना हो रहा है अभी? तो बाय गाइस। मजा रहे थे यहाँ से पानी उठा के? कितनी बार जाती है तू? 100 बार सुबह शाम। हाँ। कहीं तेरे को मोनी दीदी को देख के शौक तो नहीं चढ़ा पानी उठाने का? ढाई देने लग गया, सूरज भी लगभग ढलने लग गया है। पूरा पानी तो तूने गिरा दिया छुटकी, पूरा का पूरा। इसमें बचाया क्या 1 मिनट? तो, कितना कम पानी है इसमें, सारा का सारा गिराते हुए आ रही है। ए भाई इधर खड़ा हुई हो, पत्ते से नीचे आएगा। तू ये खाली कलछा उठा क्यों रही है दीपांशी? खाली कलछा क्यों उठा रही है? यही से पकड़ा इसने डब्बा भी। कितना चालू है, मौसा जी आ गए उधर पे टैक्सी लेके, तो इसने फटाक से मेरे हाथ से डब्बा छीन लिया, और इससे भी छीन रहा है कि मुझे दो। दिखाने के लिए कि पापा मैं काम करता हूँ। हाँ पापा पढ़ाई कम करूंगा। ये है हमारी जनरेशन, ये है हमारा फ्यूचर, जो काम चोरी करता है। पानी भर के हम लोग लेके आए और एक ही पूरा नहला दिया, रोड को नहला दिया पूरी रोड पे। सोफी का दोस्त आ गया, देख रहा कितना चालू। बहुत चालू बच्चे हैं, बहुत चालू। एक ने पानी गिरा गिरा के 5 लीटर से 1 लीटर कर दिया, और एक ने डब्बा छीन लिया घर के सामने से। बस घर इतना सा बचा है, मौसा जी आ चुके हैं, इसलिए डब्बा छीना जा चुका है। मौसी मजा आ रहा है? क्या कर रहे हो? गाय देख रही हूँ रे। मौसी की गाय भाग गई ना? भाग गई? कहाँ गई गाय? जंगल के अंदर। मिल जाएगी, इधर के रास्ते से आ जाएगी शाम को। अभी टाइम है ना मौसी? अभी टाइम है, आ जाएगी। बस ठीक है, चले सॉफ्टी। सॉफ्टी बहुत प्यारा बच्चा है, अपनी माँ को ढूंढ रहा है बार बार, टाइम हो गया ना इसलिए। तो ये मौसा जी की दुकान घुड़कन के मेन रोड पे और हल्दू खाल के सामने है।